अस्सलाम वालेकुम। रफी के जाके मैं आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे चिकन चंगेजी, और बहुत पुराना आइटम है, बहुत से लोग खाए भी होंगे, बनाए भी होंगे। तो ये चंगेज खान के टाइम से बनाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह दिखाते हैं कि चंगेजी चिकन बनाएंगे कैसे। बहुत ही सिंपल करके मैं आपको बताऊंगा और एकदम ऑथेंटिक बताऊंगा। तो चिकन हमने आधा किलो ले लिया है, इसको पहले हम मैरिनेशन करके छोड़ देते हैं आधा घंटा के लिए, तब तक के बाद में दूसरी तैयारी करते हैं। तो 2.5 टेबल स्पून दही, थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से भी कम, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, थोड़ा सा तेल। अब इसे हम मिक्स करके और छोड़ देते हैं आधा घंटे के लिए। थोड़ा सा हम धनिया भी डाल देंगे, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर भी आ गया। तो अब इन्हें हम आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। तो रेस्ट हो रहा है जब तक कि चिकन हमारा, उस बीच में हम थोड़ा सा ऑनियन का काम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों हम सेपरेट पकाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा तेल, उसके बाद में प्याज। आधा किलो चिकन हमने लिया है, वो हिसाब से बहुत ज्यादा हमें ऑनियन नहीं चाहिए। तो अब इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमें एकदम बिरिस्ता नहीं करना है, लाइट ब्राउन हो जाए बस इनफ है। तो ऑनियन तकरीबन हमारा हो गया है, और एक 10-15 काजू भी डाल देंगे, थोड़ा सा काजू भी हो जाएगा, और दोनों साथ में ही हम निकाल लेंगे। तो अब हम निकाल लेंगे। तो ऑनियन फ्राई हमने कर लिया है, तकरीबन आधा मेजर तो हमारा रेडी है। अब हम चिकन जो हमने मैरिनेशन किया था उसको भी निकाल के उसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको स्लो स्लो फ्राई करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि दिल्ली या लखनऊ के अंदर चंगेजी चिकन जब बनाते हैं, बड़े बड़े तावे होते हैं, तावे के ऊपर ही बनाते हैं, तो ग्रेवी उसका अलग सेपरेट बना लिया जाता है और चिकन को रोस्ट कर लिया जाता है, यानी कि पैन के अंदर या तावे के अंदर, फिर उसके अंदर ही दोनों को मिला के पकाया जाता है, पकते रहता है, बिकते रहता है। तो ये चिकन जो है हंडी का नहीं है, तावे का है, ठीक है। तो इस वजह से हमने आपको दिखा दिया है कि ऑनियन हमने फ्राई किया है, उसी ऑनियन को निकालने के बाद उसी तेल के अंदर फिर से हमने चिकन को निकाल दिया है। अब इसको हम निकालेंगे और आपको ग्रेवी भी बनाते हुए दिखाएंगे। तो ये आ गया चिकन हमारा। तो थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है, और बाकी हमारा ऑनियन वाला तेल बचा था उसको हम डाल देंगे, और कुछ खड़े गरम मसाले, 2-3 लौंग, 2-3 इलायची, और एक बड़ी इलायची है, थोड़ा दालचीनी लकड़ी है, और थोड़ा सा है स्टार फूल। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे आपका हो जाता है, बस डाल देना है उसके अंदर प्यूरी, 2 मीडियम साइज टमाटर का इनफ है। अब इसे थोड़ा सा हम पका लेंगे। अब ऐसे टाइम में क्या करना है आपको, जब आप ग्रेवी रेडी कर रहे होते हैं उस टाइम में आपको थोड़ा सा पीली मिर्च होना जरूरी है। हमारे यहाँ लखनऊ में, दिल्ली में तो आसानी से मिल जाता है, बाकी कहीं कहीं है तो नहीं मिलता है, लेकिन ऑनलाइन जरूर मिल जाता है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो देगी लाल मिर्ची या काश्मीरी मिर्ची आप यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अलग ही थोड़ी सी कलर उसका जो है बहुत बढ़िया होता है। और अगर आप खाली मिर्ची से कलर लाएंगे तो उसका कलर एकदम रेड हो जाता है। और नहीं है तो ऐसा नहीं कि चंगेजी चिकन आप बना नहीं सकते, बिंदास बनाओ और इंशाल्लाह फिर से हमें जरूर बताओ।
तो प्यूरी हमने करीब 2 मिनट तक पका लिया है। अब काजू और ओनियन का जो हमने पेस्ट किया है उसको भी इसके साथ ही डाल के भून लेंगे। चिकन जब मैरिनेशन किया था तो उसका थोड़ा सा दही बच गया था, तो उसको भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जब मैरिनेशन आप करते हैं, अगर आपकी दही बहुत खट्टी है तो आपको लेमन डालने की जरूरत नहीं है, और अगर दही थोड़ी मीठी है, नॉर्मल है, तो आप उसके अंदर लेमन थोड़ा सा निचोड़ दें। दूसरी चीज, हल्का ही लेमन मारना है, क्योंकि टमाटर का भी खटास इसके अंदर जब छोड़ता है तो खटास थोड़ा पकड़ लेता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि या तो दही आपकी खट्टी हो और या तो फिर टमाटर से आप एडजस्टमेंट करें। तो गैस अब इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे एक चुटकी जितना। अब इसे बढ़िया से हम भून डालेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ऑयल हमारा छोड़ रहा है, यानी ग्रेवी हमारी पक गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी ये खुद थिक नहीं हुई है, यानी कि ड्राई नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमारे चिकन में भी थोड़ी सी कसर है, ठीक है, तो उसके साथ ही हम इसे डाल के पकाएंगे। तो चिकन भी हमारा पक जाएगा जो कसर है, और ग्रेवी भी हमारी पक जाएगी, साथ ही साथ में दोनों का फ्लेवर जो है वो एक दूसरे में जाएगा, तभी तो मजा आएगा। अब इसको हम 5 मिनट तक के और पकाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन इसको ढक के नहीं पकाना है, ठीक है, तावा पे जो चीज बनाई जाती है उसे ढक के नहीं बनाया जाता, ये आप अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो गाइस रेडी हो गया। तो गाइस चंगे जी चिकन हमारा रेडी है। हमने आपको बताया ना कि हम एक तो सिंपल करके बताते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं बताते हैं, और ऑथेंटिक बताते हैं। और अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।